मिथुन राशि के जातक और जातिकाएं परिवर्तनशील होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बेहद दृढ़ होती है एवं ये तर्क वितर्क करने में पारंगत होते हैं। ये लिखने पढ़ने वाले सभी कार्यों जैसे बैंकिंग, टीचिंग, कंप्यूटर, रिसेप्शन इत्यादि में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मीठा बोलने वाले, प्रतिष्ठित लोगों से जान पहचान बढ़ाने वाले और बहुत सारे मित्र बनाने वाले होते हैं। सजावटी सामान, मंच, सिनेमा इत्यादि कला के क्षेत्रों में भाग लेना इनको बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी कहते हैं कि पिछले समय में की गई मेहनत इस संक्रांति में आपको उचित लाभ देने में समर्थ रहेगी। आपको पूरे महीने लाभ होता रहेगा और काम धंधा भी अच्छा चलता रहेगा। बिजनेस वालों को अच्छी ग्राहकी होती रहेगी और नौकरी पेशा वाले लोगों का काम में मन लगा रहेगा। हालांकि आपको हर प्रकार की परिस्थिति का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन अंत में आप लाभ और फायदे की स्थिति में रहेंगे। इस बीच आप कोशिश करें कि ऐसे ही अच्छे परिणामों के लिए आप ऐसे लोगों से तालमेल बढ़ाएं जो समय को नष्ट नहीं करते और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। आप उन लोगों का साथ छोड़ दें जो हमेशा दूसरों के काम में कमी निकालते रहते हैं। भाई बहनों और मित्रों से आपको सहयोग मिलता रहेगा, उनकी तरफ से सहायता मिलती रहेगी और आपका कुछ जरूरी काम भाई बहनों और मित्रों की मदद से पूरा हो जाएगा। आप साफ मन से अपनी बात उनके साथ साझा करें ताकि उनको पता चले कि आपके लिए इस वक्त क्या जरूरी है। कुछ जरूरतें इतनी खास होती हैं कि उनके बिना काम नहीं चलता, लेकिन इस समय सितारों की चाल आपके पक्ष में है और आपका काम बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना परिवार के कोई व्यक्ति सुख की कल्पना ही नहीं कर सकता। हर प्रकार के सुख दुख हम अपने परिवार के साथ बांटते हैं। जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा हमें परिवार से ही मिलती है। हमारे परिवार की यादें हमारे लिए सब कुछ होती हैं। हमारे जीवन में परिवार को छोड़कर सब कुछ बदलता रहता है। इस महीने आपको बच्चों की तरफ से कुछ अच्छी खबर मिलेगी। पिछले कुछ समय से आपने अपने बच्चों से जो उम्मीद लगा रखी थी वो इस बार पूरी होगी और आपको खुशी मिलेगी। पिछले समय की अपेक्षा इस महीने आपका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और इसके परिणाम बेहतर रहेंगे। बैंकिंग, जुडिशरी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े मिथुन राशि के लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कई दिनों के मन मुटाव के बाद प्रेमी युगल इस महीने कुछ समय अच्छा बिताएंगे। पति पत्नी के मध्य छोटी मोटी नोक झोंक के अलावा समय ठीक से निकल जाएगा और आपसी सहमति से कुछ जरूरी काम बन जाएंगे। आपका कारोबार ठीक चलता रहेगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना पड़ेगा। सितारों की चाल ऐसा इशारा कर रही है कि महीने के अंत में किसी जरूरी काम पर कुछ खास खर्च हो सकता है। अपनी तबीयत का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की तकलीफ होने पर चिकित्सक से सलाह लेकर स्वास्थ्य लाभ जरूर लें। उपाय: छोटी बच्चियों को नए कपड़े और श्रृंगार का सामान लेकर देना और श्री विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना इस महीने आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। हरे कृष्णा।